हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम आपको सलवार बनाना बताएंगे। ये सलवार हम 2 मीटर कपड़े में बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट समझेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। लंबाई है 39 इंच, बेल्ट है 20 इंच, पाइचे हैं 7 इंच, आसन है 15 इंच। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा करेंगे और कपड़े की उल्टी साइड ऊपर रखकर हम इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। तो ये कपड़ा हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है, ये हमारा डबल फोल्ड है। इधर हमारी खुली साइड है और इधर हमारी बंद साइड आएगी। तो हम सबसे पहले सलवार की सादा पट्टी निकालेंगे, जिनको हम पैनल बोलते हैं। तो हम अपने पैनल की चौड़ाई रखेंगे 15 इंच। यहाँ आप 14 या 15 ले सकते हैं। इस तरीके से हम 15-15 इंच पर मार्क करते जाएंगे और अब हम इन मार्क को सीधा करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 इंच कपड़ा पाइचे के लिए रखेंगे। ये कपड़ा हमारा पाइचे के लिए हो गया। अब हम ऊपर सलवार की लंबाई लेंगे। तो सलवार हमें 39 इंच लंबाई की बनानी है। 6 इंच की हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो हम 39 में से 6 को माइनस करेंगे तो 33 इंच आएगा। यहाँ हम लंबाई लेंगे 35.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह यहाँ पर 35.5 पर मार्क करेंगे। ये हमारे सलवार की सादा पट्टी की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कट कर देते हैं। ये हमारी सादा पट्टी निकल गई है। अब हम इसकी पूरी लंबाई देखेंगे। तो इसकी पूरी लंबाई है 35.5 इंच, क्योंकि 35.5 हमने इसकी लंबाई रखी थी और 2 इंच हमने पाइचे के लिए रखा था। तो ये 35.5 इंच है। अब हम इसको अलग कर देंगे। अब यहाँ हम पूरे कपड़े में से अपनी कलियाँ निकालेंगे। इस कपड़े को हमें अलग नहीं करना है, इसी में से हमारी बेल्ट बनेगी। अगर हमने अलग कर दिया तो हमें इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो कली की लंबाई भी हमें 35.5 इंच ही लेनी है, क्योंकि हमारी सादा पट्टी की लंबाई जो हमने पाइचे के लिए कपड़ा इसमें रखा है उसको ऐड करके 35.5 इंच है। तो यहाँ भी कली हमें 35.5 इंच की ही लेनी है। 35.5 पर मार्क करते जाएंगे। अब हम ऊपर का कपड़ा अपना अलग कर देंगे। इस कपड़े की हमारी बेल्ट बनेगी, इसको अलग रख देते हैं। अब हम यहाँ पर 1 इंच का मार्क करेंगे और इस कोने पर भी 1 इंच का मार्क करेंगे। अब हम इस मार्क को और इस मार्क को इस तरीके से मिलाएंगे और चौक से निशान लगाएंगे और अब हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारी कम कपड़े में भी प्लेट्स ज़्यादा आएंगी और सलवार थोड़ी हैवी दिखेगी। अब हम इस कली को उठाएंगे और इस तरीके से घुमाएंगे और घुमाकर हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। अब ये हमारी 4 कली बन गई हैं। अब हम यहाँ अपना आसन लेंगे। तो आसन था हमारा 15 इंच, 6 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे, 9 इंच आएगा। तो आसन हम यहाँ पर 9.5 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी हम मार्क करके कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी सलवार की कलियाँ भी कट गई हैं और सादा पट्टी भी निकल गई हैं। इनको हम हटाएंगे और अपनी बेल्ट निकालेंगे। इसको खोलकर डबल करेंगे। ये बेल्ट का कपड़ा हमारा पूरा 20 इंच है, तो यहाँ पर 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ये बेल्ट हमारी 19.5 इंच बनकर तैयार होगी। 1 इंच का जोड़ लगा सकते हैं, पर हम यहाँ पर जोड़ नहीं लगाएंगे। हम इसको 19.5 इंच की ही रहने देंगे।
बेल्ट हमारी वैसे भी लूज होती है, तो आधा इंच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर आपके बेल्ट का साइज बड़ा है तो आप अपने कुर्ते के कपड़े का जोड़ लगा लीजिए, या फिर आपके पास कोई सेम मैच करता हुआ कपड़ा रखा हो तो उसका भी जोड़ लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई हम लगाएंगे 8 इंच, क्योंकि 1.5 इंच का हमारा नेफा होगा, आधा इंच सिलाई में जाएगा और 6 इंच की बेल्ट बनेगी। और इसकी कटिंग कर देंगे, इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हम इसको उठाएंगे और इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे और 1/2 इंच की सीधी सिलाई करते जाएंगे, और ऐसे ही हम इस कली को भी इसके ऊपर सीधे पलटेंगे, पलटकर सीधे सिलाई लगा देंगे। सादा पट्टी और ये हमारी कली है। अब हम इन दोनों की सीधी साइड अंदर करके सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक कली पूरी जुड़ गई है। अब हम दूसरी कली जोड़ेंगे। दूसरी कली को भी हमें ऐसे ही जोड़ना है। हमने सलवार की दोनों कलियां ज्वाइंट कर ली हैं। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को तैयार करेंगे और फिर हम आसन जोड़ेंगे। हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब ये हमारा आसन है। ऊपर उल्टी साइड रखेंगे, नीचे दोनों सीधी सीधी साइड आएंगी इस तरीके से, और हम अब इसका आसन जोड़ेंगे। और एक स्लाइस के ऊपर से लगा देंगे जिससे हमारे आसन की सिलाई मजबूत हो जाएगी। और अब हम अपना दूसरा आसन ज्वाइंट करेंगे ऐसे ही। अब हमने अपने दोनों आसन को ज्वाइंट कर लिया है और अब हम बेल्ट बनाएंगे। इस बेल्ट में हमारी ज्वाइंट नहीं आया था, हमें बस एक ही नेफा वाली यही सिलाई लगानी है। इसकी स्टिचिंग हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी और हम इसमें भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ऊपर से 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और हम अपनी सिलाई यहीं तक लगाएंगे और यहाँ से फिर इसको डबल करेंगे। अब यहाँ से हमारी ये जो सिलाई है इसको ऐसे खोलेंगे, इस साइड का जो मार्जिन है कपड़ा वो इस तरफ और उस साइड का उस तरफ, और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी बेल्ट में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, ये इस तरीके से। इधर भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये हमारी ओपन साइड है, यहाँ ये हमारा नेफा होगा डोरी डालने के लिए, और ये हम पहले इसको थोड़ा फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमारा नेफा बन गया है, अब हम इसको पक्का कर देंगे। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ये जहाँ हमने नेफा बनाया है ये हमें इसको पकड़ेंगे और फिर ये, और बिल्कुल लास्ट में इस तरीके से यहाँ पर हमें कट लगाएंगे। और अब इस कट को वाली सिलाई को हम मिलाएंगे इस तरह से खोलकर, और ये हमारा कट है। हम यहाँ पर शॉक से मार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, और इस कट को और इस बीच वाली सिलाई को हम मिलाएंगे। और अब हम यहाँ ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और 2 कट हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ हमारे आगे की प्लेट्स आएंगी और यहाँ हमारी 2 प्लेट्स पीछे की आएंगी यहाँ पर, और ये हमारी
साइडें होंगी। यहाँ से हम 8 इंच इधर निशान लगाएंगे चौक का, और 8 इंची हम यहाँ से इधर निशान लगाएंगे। हमारा आगे का हिस्सा है, यहाँ से और यहाँ तक हमारी आगे की प्लेट्स आएंगी, और ये हमारा बैक है, यहाँ हमारे पीछे की दो प्लेट्स आएंगी। अब हम प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। हमारा ये आसन है और ये हमारी बेल्ट है, तो हम सबसे पहले बैक साइड की प्लेट्स डालेंगे। एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर से लेंगे। इस तरीके से हम अपनी दो प्लेट पीछे की डालेंगे। ये हमारी बैक की प्लेट्स हैं और ये हमारी बेल्ट का बैक साइड है, तो इसको इस तरीके से हम यहाँ तक यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और हम यहाँ अपने इस मार्क तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और इधर से भी हमें ऐसे ही अपने इस मार्क तक सिलाई लगानी है, यहाँ से ऐसे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम अपनी आगे की प्लेट्स डालेंगे, तो हम सिलाई लगाते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए, हमने पीछे की सिलाई लगा ली है और ये हमारी बैक साइड की दो प्लेट्स हो गई हैं, और ये सिलाई हमने यहाँ तक लगाई है, जहाँ तक हमारे ये 8-8 इंच के हमने जो मार्क लगाए थे आगे से, वहाँ तक हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें आगे की प्लेट्स डालनी हैं। अब हम इसको उल्टा करेंगे। अब हमने इसको उल्टा कर लिया है, ये हमारे बहिर निशान हैं जो हमने 8-8 इंच के आगे से लगाए थे। ये हमारा बीच का सेंटर है बेल्ट का, ये हमारा आसन है, इसको हम यहाँ बेल्ट के सेंटर से मैच करेंगे और यहाँ पर एक पिन लगाएंगे इस तरीके से। अब इससे हमारा आसन और बेल्ट का सेंटर मैच हो गया है, अभी आगे पीछे नहीं होगा। अब हम यहाँ प्लेट्स भरेंगे, पहले इस तरफ की और फिर हम इस तरफ की प्लेट भरेंगे। अपनी प्लेट यहाँ तक हमारी, इस मार्क तक हमारी सिलाई है। अब हम यहाँ से प्लेट भरना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी प्लेट्स का मुंह इधर साइड होगा, हमें इधर की सभी प्लेटें इस तरफ भरनी है। अब हमें यहाँ तक प्लेट्स डालनी है, तो अपना कपड़ा देखते जाएंगे कितना बचा है। अब यहाँ हमारा इतना कपड़ा बचा है, इसमें हमारी एक प्लेट और आएगी। एक साइड की प्लेट्स हमने भर ली हैं, अब हम इधर की प्लेट्स डालेंगे। तो इधर की प्लेट्स डालने के लिए हमें ध्यान देना होगा, हमने ये प्लेट्स इधर साइड करके डाली है। अब इधर वाली प्लेट्स जो हमारी होंगी वो इधर साइड होंगी। ये प्लेट हम बनाएंगे और इसको इधर पलट देंगे, ऐसे ही हमें इधर की भी सब प्लेट्स बनानी है। ये प्लेट्स हम इधर यहाँ तक ही डालेंगे जहाँ तक हमारा मार्क है, तो यहाँ हमारी एक प्लेट बनेगी, इसको भी हम डालेंगे। इस तरीके से हमने अपनी सभी प्लेटें भर ली हैं। अब हम इनके ऊपर सिलाई करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अब हम पिन निकालते जाएंगे और इनको स्टिच करते जाएंगे। देखिएगा, हमारी सलवार के सभी प्लेट्स पड़ गई हैं। अब हम अपने पायचे बनाएंगे। अब ये हमारे पायचे हैं और अब हम इनकी
लंबाई नापेंगे कि लंबाई है 16 इंच पर हम यहाँ पर 17 इंच लंबाई की और 1.5 इंच चौड़ाई की बुकरम की दो पट्टी काटेंगे और उसके बाद हम अपने पाइचे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 17 इंच लंबाई की दो पट्टी निकाल ली हैं। तो इसके लिए जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 17 इंच की पट्टियाँ काटी हैं। यहाँ पर एक क्वार्टर सिलाई देते हुए इसको स्टिच करके फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अपने पाइचे की जो भी हमें डिज़ाइन देनी हो या सिंपल हमें 5 सिलाई लगानी होंगी। ऐसे ही थोड़ा कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है, इससे हमारा बुकरम फिक्स हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे पलट कर सिलाई लगाएंगे और अपनी जो भी डिज़ाइन देना हो डिज़ाइन देंगे। अब हमारे दोनों पाइचे बनकर तैयार हैं, ये देखिएगा। और अब हम इनके इस सलवार को उल्टा करेंगे और हम अपने पूरी सलवार की सिलाई लगाएंगे। तो हम पहले तो अपने पाइचे देखेंगे, हमें 7 इंच पाइचे चाहिए थे। जितने भी पाइचे आपको लेने हो बस उतने पर मार्क करिएगा। तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे। इससे हमारे पाइचों की शेप बहुत ही अच्छी आती है और ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम पाइचे की सिलाई लगाएंगे। तो जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारे जो पैनल की सिलाई है तो वो दोनों सिलाइयाँ हमें मिलाकर रखनी है। चाहे इधर से हमारा थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर हमें यहाँ पर अपने दोनों सादा पट्टी की सिलाइयाँ बिल्कुल मिलाकर तब आगे सिलाई लगानी होगी। इससे हमारी सलवार के पाइचे अच्छे लगते हैं और सलवार में फिनिशिंग दिखती है। तो हम यहाँ पर पाइचों की सिलाई करते हुए ऊपर सिलाई को लाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा आसन है। अब हम यहाँ पर आसन की सिलाई करके इधर साइड भी इस पैर की तरह ही सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। देखिएगा सलवार हमारी बनकर तैयार है और 2 मीटर में हमारी कितनी सारी प्लेट्स आई हैं। आप भी अगर इसी मेथड से सलवार कटिंग करेंगे तो 2 मीटर में भी आपकी अच्छी प्लेट्स की सलवार बन जाएगी और सलवार थोड़ी हैवी लगेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।